के ऊपर फेविकोल लगा हुआ है, वो फेविकोल की तरह चिपक जाता है कुर्सी के ऊपर। आज तक पूरे शहर में जहाँ भी जो भी काम हुआ है, किसी काम की कोई जानकारी नहीं है उनको, एक काम पे भी आज तक वो गई नहीं है। उसको ये नहीं पता भी किस प्रकार का मसाला लग रहा है, किस प्रकार के काम हो रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 झूठी बयानबाजी करने वाले मुर्दाबाद, 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 झूठे एलिगेशन लगाने वाले मुर्दाबाद, 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 नगर परिषद प्रधान मुर्दाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद। क्या कहना चाह रहे हो? कल जो भी म्युनिसिपल कमेटी में जो भी ये हंगामा हुआ है वो सरासर प्रधान की वजह से हुआ है। जब प्रधान ने हम सभी पार्षदों को गुंडा बोला है, प्रधान जी को इस एक्ट के बारे में पता ही नहीं है कि वे क्या एक्ट है, कि एक्ट के म्युनिसिपल एक्ट के थ्रू जो म्युनिसिपल एक्ट के मेंबर होते हैं वो सारा रिकॉर्ड ले सकते हैं, लेकिन प्रधान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता था। प्रधान जी तो सुबह आते हैं, उनकी कुर्सी के ऊपर फेविकोल लगा हुआ है, वो फेविकोल की तरह चिपक जाते हैं कुर्सी के ऊपर। आज तक पूरे शहर में जहाँ भी जो भी काम हुआ है, किसी काम की कोई जानकारी नहीं है उनको, एक काम पे भी आज तक वो गई नहीं है। उसको ये नहीं पता भी किस प्रकार का मसाला लग रहा है, किस प्रकार के काम हो रहे हैं। लोग जो अपने शहर के लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चल चुका है कि हमने जो ये प्रतिनिधि नरेश बंसल के नाम पे चुना है वो गलत चुना है। धन्यवाद जी। तो आपके द्वारा जो है पार्षदों के द्वारा एक भ्रष्टाचार का आरोप भी जो है चेयरमैन पर लगाया गया, किस तरह के भ्रष्टाचार को सामने? जो भ्रष्टाचार का आरोप है उसके अंदर एक बिल मिला है कल, और अकाउंटेंट साहब ने सोमवार को हमें जितने भी बिल है वो दिखाने की बात की है। उसके बाद जितने भी बिल फर्जी मिलेंगे वो सारे मीडिया के सामने उजागर करेंगे। सर बताइए क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, कल नगर परिषद टोहाना में 112 नंबर पर कॉल कर हमारे खिलाफ़ कुछ हमारे जो पार्षद साथी उनके खिलाफ कंप्लेंट दी गई थी कि जबरदस्ती कमेटी का रिकॉर्ड ले गए हैं, और प्रधान द्वारा एक बयान जारी किया गया था मीडिया में कि भी ये सरासर गुंडागर्दी है, गुंडा तत्व हैं, हमारे नाम लेकर उन्होंने हमारा जो मान सम्मान को ठेस पहुँचाई है। लेकिन आज दूध का दूध पानी होगा, हमने कल ही कह दिया था कि इस प्रकार का कोई जो इनके आरोप हैं बिल्कुल निराधार है, आज आप सभी के सामने है। आज उन लोगों ने मान लिया कि हमने गलत एलिगेशन इन पार्षदों पर लगाए थे, और आज उन्होंने अपनी कंप्लेंट भी वापस ले ली है और अपनी स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। करप्शन के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है हम बिल्कुल लास्ट मुकाम तक लड़ेंगे। जिन लोगों ने गलत किया है, जिन लोगों ने करप्शन किया है, उनको डर है, वो हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, वो झूठे पर्चे दर्ज कराकर या हमें दबका कर, हम दबने वाले नहीं हैं, ना ही झूठे पर्चों से। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जनता के लिए हमें चाहे जेल भी जाना पड़ो हम जाने के लिए तैयार हैं, कोई भी पीछे हटने वाला हमारा पार्षद नहीं है। लेकिन जो गलत काम ये कर रहे हैं वो गलत बिल हमने कल पकड़ लिया, आप लोगों को भी बताया है। आगे आज जो हमारा 11 बजे का टाइम था माननीय SDM द्वारा, कल हमें टाइम दिया गया था, आज 11 बजे हमें रिकॉर्ड दिखाना था, लेकिन अकाउंटेंट को कोई इमरजेंसी मीटिंग आ गई है फतेहबाद, वो फतेहबाद गए हैं। बाय रिक्वेस्ट उन्होंने हमें मंडे को 11 बजे का टाइम दिया, हम 11 बजे आकर वो सारा रिकॉर्ड पुनः देखेंगे, जो जो उसमें गलतियां पाई जाएंगे, जो जो फर्जीवाड़ा होगा हम बिल्कुल तथ्य के साथ मीडिया को भी बताएंगे और हम इसकी विजिलेंस जाँच करवाएंगे। क्या नाम है जी आपका और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सतीश पुरी है जी, और मैं यहाँ पार्षद हूँ। और कल जो यहाँ पे आपने देखा होगा, आपके सामने भी आया है, जो हंगामा हुआ है उसमें जो चेयरमैन साहब है इन्होंने जो भी शब्द कहे हैं वो निंदनीय है। उसके उन्होंने हमारे को एक गुंडा तत्व नाम दिया है। हम लोग जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, और कुछ साथी तो जैसे हमारे राम कुमार साथी है, ये तो जनता ने 3 बार चुने हैं। ये कोई गुंडा होता तो 3-3 बार नहीं चुन के आते। हम हैं, हमारे कुछ साथी 2 बार चुने गए हैं, कुछ हम एक तरफा वोटों से जीत के आए हैं। यदि अगर जब हम गुंडे होते तो हमें क्यों चुनते लोग? ये प्रधान ने मान लो जो शब्द कहे हैं ये बहुत ही निंदनीय शब्द है, और हम इनकी कड़ी निंदों में शब्द निंदा करते हैं, और प्रधान जी ने ये शब्द अपने वापस लेने चाहिए। और इसके लिए हम मान लो जैसे हमारे भाई साहब है, जैसे सभी के सभी साथी, हम इकट्ठा कोर्ट की शरण में जाएंगे। ये मान आनी है, और हमारे ऊपर जो ब्लेम लगाए हैं वो सोच समझ के लगाने चाहिए थे प्रधान। मामले के बारे में जो कल एपिसोड हुआ है उसके बारे में ऐसा है, मैंने कल भी कहा था मीडिया के सामने कि सांच को आँच नहीं। कल भी जो हमारे ऊपर आरोप लगाए नगर परिषद प्रधान जी ने या अकाउंटेंट ने, आज जो अकाउंटेंट ने अपने बयान वापस लिए हैं, जो एप्लीकेशन वापस लिए, उसे साबित हो गया कि हम सच्चे थे। लेकिन प्रधान जी ने बिना कुछ सोचे समझे हमारे पर जो गुंडागर्दी का आरोप लगाया वो सरासर गलत है। उससे हमारे मानहानि भी हुई है, और हम बहुत जल्दी
कोर्ट में जाकर उससे न्याय मांगेंगे और बहुत जल्दी ही प्रधान जी पे मानहानि का दावा करेंगे। कोई भ्रष्टाचार का मामला भी कोई उजागर हुआ? ऐसा है, हमारे हाथ में कुछ कागज लगे हैं जिसमें हमें शक है कि उसमें घपलेबाजी हुई है, घोटालेबाजी हुई है। वो पूरा मामला हम स्टडी कर लें और हमने एक दो कागज और भी लेने हैं अकाउंटेंट से, वो कागज लेकर सारा मामला स्टडी करके मीडिया के सामने रखेंगे, उसमें कोई घोटाला हो तो उजागर करेंगे।